The SIAM Chief Minister Himanta Biswa Sarma, speaking in Belagavi, claimed that visitors from Bangladesh pose a danger to the civilization and culture of the northeastern state. Talked about his intentions to close 600 madrasas. Chief Minister Sarma asserted that he had closed 600 madrasas and plans to close all of them because he prefers schools, colleges and institutions. Countering Himanta's remarks, clerics have launched an attack on the Assam government, claiming they don't know about the history of madrasas. मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूं, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूं, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये नारा देते हैं कि सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, और उन्हीं की पार्टी के एक मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष के लोगों को या उनके मदरसों को टारगेट बना रहे हैं, तो बड़ी ही शर्म की बात है। उन्हें मदरसों से सीख लेनी चाहिए और मदरसों के इतिहास पढ़ना चाहिए। इन्हीं मदरसों के अंदर बैठने वाले उलामा ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और अंग्रेज जैसी नापाक कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। अगर ये मदारिस के सपूत ना होते, मदारिस के तलबा ना होते, ये मदारिस ना होते, तो ये हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। मैं ये कहूँगा उनसे कि वो मदारिस का इतिहास पढ़े, उसके बाद में कोई कदम उठाए। तो हमारे यहाँ खुद ही 7-8 हज़ार ऐसे मदरसे थे जो अवैध पाए गए थे, जिनको हमने बंद किया, जो पोर्टल पर भी नहीं थे। और उसके बाद आज आप देखें तो जो और मदरसे हैं उनमें भी लगातार शिकायतें आती हैं। तो जिस तरह से असम सरकार और वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, हमने भी फैसला किया था पहले सरकार में, जो हमारी 17 से 22 की सरकार थी उसमें भी हमने काफी जो अवैध मदरसे पाए गए थे उनको हमने बंद किया था। क्योंकि ये सारे के सारे जो मदरसे हैं, ये शिक्षण संस्थान कहलाते हैं, इनको मदरसे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, मुस्लिम समाज के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, लूट की जा रही है, ये सारी शिकायतें आई हैं। Himanta is not someone who will decide in the country what should happen just because he is a chief minister, right? The constitution of India is supreme than any political party, than any government. So the constitution has given right for every religion to practice and propagate and live peacefully. So Himanta cannot destroy anything. The constitution will provide protect every individuals and every religious groups rights. देखिए, एक तरफ सरकार कहती है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो मुसलमानों को कुरान और कंप्यूटर देना चाहते हैं, फिर आप 600 मदरसे बंद कर देते हो। तो जिस तरह से स्कूल मदरसों को बैन किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जौहर विश्वविद्यालय बना, आपने उसको बंद कर दिया।